हाई स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज हमारा वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू का फोर्थ डे है। हमने 3 दिन में अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 वर्ड्स को किया है और आई होप कि आपने वो सारे वर्ड्स को रिवाइज किया होगा अच्छे से। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी चीज़ में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए या फिर कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो थे उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे, लेकिन सेकेंड और थर्ड वीडियो पर मुझे आपकी क्वेरीज नहीं मिली। बट मैं आपकी क्वेरीज़ का वेट करती हूँ। सेकेंडली, कभी ऐसा होता है कि जो वर्ड्स होते हैं हम लोग जब मैं आर्टिकल लिखती हूँ वो कैब का, तो मैं स्किप कर जाती हूँ, मुझे लगता है कि ये वर्ड ईजी होने वाला है। तो आज से मैं क्या करने वाली हूँ कि अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करूँगी। आप अपने जो द हिंदू जब आप पढ़ते हैं तो आपने जो भी वर्ड आपको लगता है कि मुझे इसका मीनिंग समझना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उस दिन की तो मैं उन वर्ड्स को इंक्लूड कर सकूँ, राइट। तो डे फोर के लिए आज मैंने 6 to 7 वर्ड्स को इंक्लूड किया है। कुछ ईजी हैं, कुछ सुने हुए हैं, लेकिन उनका यूजेज हम आज करने वाले हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो है रिलायंट। रिलायंट, अगर आपको याद हो कि आजकल सभी रिलायंस जियो यूज़ कर रहे हैं, तो रिलायंस जियो का मतलब क्या है? एक तरह से भरोसा है और आप उस चीज़ पे डिपेंड हो गए हैं। रिलायंट का मतलब होता है यू आर डिपेंडेंट अपॉन समथिंग। ओके, तो आजकल तो सभी जियो पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको याद रखना है कि रिलायंट का मतलब डिपेंडेंट या फिर किसी चीज़ पे भरोसा होना। और जो इसका, ये तो एक एडजेक्टिव फॉर्म है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? रिलायंस। ये तो सबको याद रहेगा कि रिलायंस और रिलायंट कहाँ से आए हैं, रिलायंस जियो से, जिसका मतलब है डिपेंडेंसी या फिर भरोसा। और इसका कोई भी वर्ब या फिर एडवर्ब फॉर्म नहीं है, तो हम इसको लिखने भी नहीं वाले। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पहले एडजेक्टिव फॉर्म में हमारे पास वर्ड क्या है? रिलायंट। तो रिलायंट को कैसे यूज करेंगे? द कंपनी इज रिलायंट ऑन बेबी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर रिलायंट का मतलब है कि वो निर्भर है, जो भी कंपनी है वो बेबी प्रोडक्ट्स बनाने पे ही निर्भर है। जो सेकेंड वर्ड है वो है रिलायंस। रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस किसी चीज़ के ऊपर, आप किसी से निर्भर हैं। शी डिड नॉट हैव अ जॉब सो हर रिलायंस फॉर मनी वॉज हर पेरेंट्स। कि जब तक उसके पास जॉब नहीं थी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर थी फाइनेंशियली। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिलायंस मतलब भरोसा, तो भरोसे से क्या आएगा? ट्रस्टी या ट्रस्टवर्दी, फेथफुल एंड इसके एंटोनिम्स में क्या आएगा? यहाँ पर बिलीफ भी लिख सकते हैं। जो भी आपको भरोसे से शब्द याद होंगे आप उसके सिनोनिम्स में डाल सकते हैं। एंटोनिम्स में आएगा डिस्ट्रस्ट, जिस पे भरोसा नहीं है। इंडिपेंडेंस, क्योंकि रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस है, तो इसका क्या आएगा? इंडिपेंडेंस। एंड थर्ड इज डिसबिलीफ, कि आप उस चीज़ पे भरोसा नहीं करते। क्लियर? तो ये तो था रिलायंट के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैम्पून। लैम्पून एक नेगेटिव वर्ड है और ये एक वर्ब है। लैम्पून का मतलब होता है किसी की निंदा करना, टू कंडेम या फिर टू मॉक
एट किसी का जब आप मजाक उड़ाते हैं, किसी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, बुराई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? लैम्पून। और लैम्पून को हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस में लैम्पून को किस तरह से यूज किया है। ओके, तो लैम्पून का वर्ब है और नाउन है, दोनों ही सेम हैं। अब इसकी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करेंगे। लैम्पून मीन्स स्कॉर्न, सटायराइज एंड जेस्ट। एंटोनिम्स का मतलब है कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो एंटोनिम्स में क्या आएगा? प्रेज, अप्रिशिएट। ओके, लैम्पून सिर्फ एक, अगर हम उसको वर्ब की तरह यूज करें तो मतलब कि मजाक उड़ाना, लेकिन अगर हम उसको एक नाउन की तरह यूज करें तो इसका मतलब है कि आपने ऐसा कुछ वर्ड लिखा है या फिर आपने ऐसा कुछ कार्टून ड्रॉ किया है तो वो लैम्पून होगा। ठीक है, जिस तरह से कभी कभी न्यूज़पेपर में या फिर जो टीवी चैनल्स न्यूज़ वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि पॉलिटिशियंस के कार्टून्स बनाकर एक वीडियो शो करते हैं, तो दे लैम्पून, वो एक तरह से लैम्पून हो जाता है। हैरी पोस्टेड एंड अननेसेसरी लैम्पून ऑफ हिज बॉस, कि अपने बॉस की निंदा करने के लिए उसने एक पोस्टर लगा दिया जिसमें वो उसका मजाक उड़ा रहा था। हैरी ऑलवेज ट्राई टू लैम्पून हिज बॉस। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा लैम्पून वर्ड खत्म हो जाता है, कोई इसका एडवर्ब फॉर्म नहीं आएगा, कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी आपने स्ट्रिंग से याद रखना है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? रस्सी या फिर धागा। रस्सी क्या करती है? बांधती है किसी चीज को, कठोर करके उसको टाइट करके बांध देती है। तो स्ट्रिंजेंसी का मतलब है हार्ड या फिर स्ट्रिक्ट या स्ट्रिक्टनेस। क्लियर? तो हम इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हार्श, टाइट एंड स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टनेस। और इसके एंटोनिम्स में क्या आएगा? फ्लेक्सिबल, अगर कोई चीज़ टाइट है तो वो फ्लेक्सिबल होगी उसका एंटोनिम। इन इलास्टिक, इलास्टिक जैसे स्ट्रेच हो जाता है, मतलब वो आपको एक फ्रीडम देता है, तो इसलिए वो भी स्ट्रिंजेंसी का इलास्टिक आएगा। यहाँ पर इन इलास्टिक इसके सिनोनिम्स में लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल एंड लीनियंट। जब आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं तो आप लीनियंट हो जाते हैं, फ्रीडम। देन जो स्ट्रिंजेंसी है ये एक नाउन है जिसका एडजेक्टिव फॉर्म है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंस मीन्स समथिंग वेरी हार्ड या फिर हार्श। अगर हम इसको एग्जाम्पल्स में यूज करने की ट्राई करें तो पहला है स्ट्रिंजेंसी, प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग टू एस्केप द स्ट्रिंजेंसी ऑफ GST बिल, कि GST बिल या GST लॉ की जो भी कठोर
लॉज है उसको एक्सकेप करने की कोशिश करने कर रहे हैं. सेकंड, स्ट्रिंजेंट प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग टू एस्केप स्ट्रिंजेंट GST लॉ. यहाँ पर स्ट्रिंजेंसी एज अ नाउन यूज हुआ था और यहाँ पर GST नाउन है और उसके पहले जो वर्ड लगा है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड है xenophobic. xenophobic को आपको पता ही होगा कि फोबिया का क्या मतलब होता है. फोबिया मीन्स डर और फोबिक मतलब कि जिसको किसी चीज से डर लगता है, राइट. तो xenophobic एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर, सपोज आप इंडिया में रहते हो और आप पाकिस्तान के लोगों को हेट करते हैं तो आप xenophobic हैं, या किसी और कंट्री के लोगों को हेट करना मतलब xenophobic होना. टू हेट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दैट इज xenophobic. एंड इसका जो नाउन फॉर्म है वो क्या है, xenophobia. xenophobia means जो इंसान या फिर लोग दूसरे कंट्री के लोगों से जो डर होता है. synonyms में क्या आएगा, racist. racist means जो दूसरों को hate करता है color या caste के ऊपर. prejudiced ethnocentric ओके. देन अगर हम इसको सेंटेंसेस में यूज करें तो क्या आएगा, शांस xenophobic हैबिट्स रेफ्रेन him from attending social events. ठीक है, तो उसको दूसरे लोगों से जो नफरत है इसकी वजह से वो social events को attend नहीं कर पाता है. second क्या होगा, शांस xenophobia refrains him from attending social events. तो यहाँ पर xenophobic क्या था, एडजेक्टिव क्योंकि ये हैबिट्स के पहले लगा है, और यहाँ पर xenophobia क्या है, नाउन. क्लियर. देन नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंस. क्रीडेंस का मतलब है बिलीफ या फिर ट्रस्ट. आपको याद होगा कि जब भी आप किसी का फेसबुक पासवर्ड या कोई भी पासवर्ड जीमेल का, आप उसको क्या बोलते हैं कि क्रीडेंशियल्स दे दो. क्रीडेंशियल्स का मतलब है कि साइन अप के लिए जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो क्रीडेंशियल्स हैं, और क्रीडेंशियल्स हम उनको देंगे जिन पे हम क्रीडेंस करते हैं, राइट. क्रीडेंस मतलब किसी पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा है हमें. तो क्रीडेंस क्या होगा, विश्वास. एक नाउन है जिसका मतलब है विश्वास. अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या आएगा, ट्रस्ट बिलीफ फेथ. और एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रस्ट डिसबिलीफ एंड डाउट. ठीक है,
तो हमने क्रेडेंस को यूज करना है नाउन में एज अ नाउन. इफ यू वॉन्ट टू गिव योर बिजनेस अ क्रेडेंस देन यू शुड deliver products on time. कि अगर आपको लोगों में विश्वास पैदा करना है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को टाइम पे डिलीवर करना है. तो विश्वास जीतने के लिए अच्छी डिलीवरी होना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट वर्ड है रीइट्रेट. रीइट्रेट का मतलब आपको जैसे रिपीट पता होगा, रेपिटेशन पता होगा, तो री का मतलब होता है वापस. रीयूनियन में वापस सब मिलते हैं, तो री का मतलब ही वापस, और इटरेट का मतलब है वापस बोलते जाना या किसी को कोई बात रिपीट करना, तो वो क्या हो जाएगा बताना. रिपीट, रीट्रेट का मतलब है रिपीट, रीटेल एंड रीस्टेट. और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जब बता दिया तो वो ओपन हो गया, तो या फिर डिस्क्लोज करना बोल सकते हैं. डिस्क्लोज इसका नियर सिनोनिम नहीं है पर थोड़ा सा मिलता जुलता है कि आप कोई बात बताते हैं तो डिस्क्लोज कर देते हैं. एंटोनिम्स में क्या आएगा, हाइड, कंसील या फिर हिडन, राइट. और इसका ये जो है वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म आएगा रिट्रेशन. जैसे रेपिटेशन होता है रिपीट से, वैसे रिट्रेट का रीइट्रेशन. अब हम इसको एग्जांपल्स में यूज करेंगे. ही रीइट्रेटेड हिज डिमांड ऑफ बाइंग अ कार. कि किसी को उसने वापस बोलकर बात याद दिलाई कि इसको कार खरीदनी है. रिट्रेशन ऑफ ओल्ड मिस्टेक्स इज द रीजन ऑफ कंपनीज लॉस. कि पुरानी गलतियों जब वापस रिपीट हुई तो हमने क्या किया कि लॉस हो गया कंपनी को, रिट्रेट किया गलतियों को, तो इसलिए कंपनी को लॉस हो गया. इस तरह से ये जो सेवन वर्ड्स हैं, सिक्स वर्ड्स हैं, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं. और आज का लेसन भी यहीं ख़त्म हो जाता है. लेकिन आपने करना क्या है कि कोई भी वर्ड जो आज की न्यूज़पेपर से मैंने कवर नहीं किया है, आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए कि ये मैम ये वर्ड क्लियर नहीं है, मैं उसको वापस से रिपीट करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, कल की जो वीडियो आएगी. और अगर आपको कल के न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा. मेरा ईमेल आईडी है ydv28insia@gmail.com. तो जो भी मुझे आप वर्ड्स मेल करेंगे मैं उनको कल की वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ. बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. अगर कुछ क्लैरिफिकेशंस आपको अभी भी नहीं मिली हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए अपनी क्वेरीज़ को. और अगर अभी तक आपने जीके डाइजेस्ट को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.